बिल्कुल। वो क्लॉक कितने का है? Grapes is $20. I just dropped the price. Box full or box. Pack? Pura box. $29. How much is this? और ये ब्लैक सेट कितने का है? वो आपको 55 का पड़ेगा। क्वालिटी A1 है। 38 स्लीव लगी हुई है स्लीव पे। ये कितने का ड्रेस है? Is this dress? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल नादिया कैमरा आई। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने सिटी की एक बहुत खूबसूरत मार्केट में, जो कि यहाँ का संडे बाज़ार है। जैसे पाकिस्तान में जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार होते हैं, यहाँ पे संडे बाज़ार होता है। कुछ उसकी मैंने आपको पिक्चर्स इंट्रो में दिखाई हैं, आप मेरे साथ रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पर कौन सी वैरायटी अच्छी लगी और कौन सी नहीं। मैं तो अक्सर यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, स्पेशली ईद वगैरह के टाइम पे यहाँ से मेहंदी, चूड़ियाँ, ज्वेलरी बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये रास्ते में जाते हुए मैं आपको दिखाऊँ, ये मुस्लिम वेलफेयर सेंटर है। ये आप कह सकते हैं जीटीए का सबसे पुराना वेलफेयर सेंटर है। इन्होंने अपना ओल्ड होम वगैरह भी बनाया था। ये 90s में बना था समवेयर, और इसको बनाने वाले जो अल्लाह को प्यारे हो चुके। तो हम पहुंच गए हैं उस मार्केट की पार्किंग में। यहाँ पे पार्किंग के हमेशा ही इश्यूज होते हैं, और आप देखें आपको थोड़ा सा माहौल भी नज़र आएगा मार्केट का। यहाँ पे आपको बहुत सारे मुस्लिम शॉपिंग करते नज़र आएंगे। अंदर जाते ही सबसे पहले तो कारपेट की एक बड़ी सी शॉप आ जाती है, और ये देखें ये ज़रा बाज़ार की एक लुक। आपको यूँ नहीं लगेगा कि ये लाहौर की कोई अनारकली बाज़ार टाइप चीज़ होती है, ये बिल्कुल ऐसी ही लुक देता है जैसे हमारे पाकिस्तान में अंदरून बाज़ार होते हैं ना, छोटे छोटे छोटी छोटी गलियों में, ये वो आपको वो वाली लुक दे रहा होता है। कारपेट्स, और ये देखें इस्लामिक चीज़ों की शॉप। ये क्लॉक कितने का है? 600। वो क्लॉक कितने का है? एक मिनट। वो क्लॉक कितने का है? 85। और ये वाला 65। ये क्लॉक हमने घरों में लगाए हुए अजान की आवाज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मस्जिदों में तो लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होती। इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पे स्कार्फ, चाय, नमाज, अबाया, इस्लामिक वॉल हैंगिंग, इतनी ज़्यादा वैरायटी चीज़ों की मिलती है। पाकिस्तान की तरह से यहाँ पे भी दुकानदार आवाज़ें लगाते हैं। हाउ मच इज दिस? सो वन सेट इज 350। एंड व्हाट्स इंक्लूड द सेट? It includes, so over there it says, one mattress, three black pillows, and one block. So this one is mean full set. Right? This is full set. Yeah. So basically, this is 350. Yeah, one mattress. It's nice, but little high price. The quality is really good. We use really high quality foam, so it doesn't go bad after a month or two. It's from which country? So the covers for this one we got from Dubai, but the foam and everything else is here, from here. We make it here.
these ones are handmade. Handmade. Yeah, so we sold them, everything's made here. It's nice. Thank you. ये अरबिक बच्चे थे सेल कर रहे। यहाँ पे ये एक फैंसी शूज़ की शॉप है, बहुत अच्छे फैंसी समटाइम शूज़ यहाँ पे मिलते हैं और बड़े सस्ते मिलते हैं। ये है कि उनकी क्वालिटी गोरों के हिसाब की तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने अगर किसी फैंसी सूट के साथ किसी फंक्शन के लिए लेना हो तो बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। कुछ आप वैरायटी देख भी रहे हैं यहाँ की। How much is this sandal? She was so busy, तो मुझे सैंडल लेके उसके पास जाना पड़ा उसकी प्राइस पूछने के लिए। How much is this? 45. 45? This is 7.5. I give you 8. अब उसको वापस उसकी जगह पे भी रखना पड़ेगा। सेल फोन केसेस और उसकी प्रोटेक्शन, सेल फोन की एक्सेसरीज की शॉप्स होती हैं और यहाँ की ये लाइक फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की मार्केट। इसमें आपको बड़े चीपर फ्रूट एंड वेजिटेबल मिलेंगे। थोड़ा सा ये है कि सम टाइम उसकी क्वालिटी आपको फिर उतनी अच्छी नहीं नज़र आएगी, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी यहाँ पर ख़राब चीज़ नहीं देखी। तो बड़ी लो प्राइसेस के ऊपर ये वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। यहाँ पे भी आवाज़ें लग रही थी जैसे पाकिस्तान में सब्ज़ी मंडी पे आवाज़ें लगती हैं कि $20 का बॉक्स हो गया अभी ग्रेप्स का। और यहाँ पे फ्रेश जूसेस भी मिलते हैं, गन्ने का रस मिलता है और यहाँ पे जो है इन्होंने नारियल का जो पानी वो भी रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि कहाँ पे ये लोग ये सारे फ्रेश जो हैं ड्रिंक्स मेक करके सेल कर रहे हैं। घबराइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आपको ज्वेलरी और कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी दिखाऊंगी। उससे पहले आप थोड़ा सा फ्रूट मार्केट को भी देख लें क्योंकि मैं चाहती हूं आपको सब दिखाऊं। इसके साथ ही यहां पे फूड कोर्ट भी है जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकी। एक तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है और वैसे भी मैं आज बना नहीं पाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। सुना आप लोगों ने कैसी आवाजें लग रही हैं? Grapes is $20. I just dropped the price. Box full or box. Pack? Full box. $29. Full box. How many dollar you said? $20. $20. Yeah, grapes. I just dropped the price on grapes for $20. Come on, man, for Is it gold or artificial? Real gold. 21 karat gold. 21 karat? How much is that ring? That black one? This one here? Yeah. Yeah.
390. What's her weight? आजकल गोल्ड की शॉप्स में भी जो है वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे किड्स पेड वगैरह और इन चीज़ों की जो ज्वेलरी की है कॉपी आना शुरू हो गई है। ये वॉच स्टोर यहाँ पे वॉच को रिपेयर भी करते हैं और आपकी अगर बैटरी वगैरह ख़त्म हो जाए तो वो भी चेंज करके देते हैं, जो कि मैं अभी अक्सर करवाती हूँ। चले मेरे साथ देखें, इस शॉप पे बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद आई थी। इंडियन शॉप थी ये, कपड़े भी अच्छे थे, कुछ की प्राइस मैंने पूछी थी कुछ की नहीं पूछी थी। ये सेट कितने का? ये ब्लैक और ये ब्लैक सेट कितने का है? वो आपको 52 का मैं देख सकती हूँ। आप इसकी क्वालिटी देखेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी। सब इंडिया से हैं चीजें? 65 का है, बट मैं जो बोला है मैं वही दूंगी। हमने 55 बोला, राइट? हाँ, मैं मेरी मिस्टेक है। चल नेकलेस दिखा दें। ओनली थिंग मैं आपको ऐसे निकाल के दिखाती हूँ, आप क्वालिटी देखते हो क्योंकि उसमें अंदर से ना बंधा हुआ है, क्वालिटी A1 है। लेकिन ऐसे पता नहीं ना चलेगा कि ये गले के साथ लगा कैसा लगेगा। एक बार निकालूंगी ना तो देखो कितने लगे हुए हैं पे, निकालूंगी तो फिर राइट। आप आगे मिरर के आगे गले के आगे लगा के दो, पूरा यहाँ तक आएगा और पीछे चेन आएगी। कितने का बोला? 55 का। 65 नो मोर डिस्काउंट? अभी देखो मैंने पहले ही मिस्टेक नहीं देखा था, कोई कोई की यू नो, पर मैंने मिस्टेक। और ये है क्या सिल्वर या जो खराब होने के चांसेस कितने? 0, कभी नहीं होता। मैं जो भी बॉक्स में, खाली आप पहन के उसी बॉक्स में रख दो तो चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दे रही, मेरी बेटियां पहन रही है घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पहनने में। बहुत कोई छोटे साइज में है ऐसा? ब्लैक में थोड़ा बड़ा है ना, पर आजकल तो शादियां शादियां इतनी कहाँ आती हैं। नहीं पर फंक्शन में आजकल तो देखो लोग ये 3 समथिंग का है। मैं आपको 225। साइज क्या है इसका? ये 38 है। आपको अपने लिए चाहिए? नहीं मैं बेटी के लिए तभी, यंगस्टर के लिए। हाँ ओके। और इसमें आपको ये शरारा है, आगे पीछे काम करेगा पूरा। लेकिन काफी प्राइस ज्यादा बता रहे हैं आप। आप एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, आगे पीछे काम है, छोटा साइज है, 38 स्लीव लगी हुई है, स्लीव पे काम है। मैं गरारा मांगती है आगे पीछे जी। थैंक यू। और ये थोड़ा सा बड़ा है और मैं दूसरा लगा के गले साथ देखती तो मुझे ज्यादा बेटर आइडिया होता। इट्स ओके। चूड़ियों की क्या प्राइस है? These ones, simple. Same thing. $8. But the small, these ones are five. Five? Yeah, simple one. Thank you.
ये जो फ्रोजी और मस्टर्ड सेट है वो कितने का है? ये दिस वन, दिस वन इज $10 फॉर द फुल सेट. कुछ ज्वेलरी 2 for 15, 2 for 10 इस तरह से होती हैं. कुछ ज्वेलरी एक एक चीज़ की प्राइस लगी होती है, लेकिन बड़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है, बहुत चीपर भी मिल जाती है और गुड क्वालिटी की वाली भी होती है. यानी इयररिंग्स आपको $5 के भी मिलेंगे और $5 से ले के यहाँ पे आपको $100-$200 तक की प्राइस के भी मिलेंगे. आर्टिफिशियल की बात हो रही है. जैसा कि ये 2 for 15, देन ये $10 की एक चीज़ है. इस तरह से ये देखें, ये इयर रिंग्स 2 for 15 में बड़े अच्छे थे, $6 की ईच. और ये बॉक्सेस में जो एक्सपेंसिव वाले, जैसे मैंने एक लाइक नेकलेस की प्राइस पूछी थी तो उसने 150 बताई. इसके साथ साथ घर की चीज़ें, पर्दे, ब्लैंकेट, बेडशीट्स, पिलो केस, इस तरह की चीज़ों की भी शॉप्स यहाँ पे हैं. इवन यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स. How much is this blanket? This one is $50, 4 kilogram. Size kya hai iska? Queen size. Crockery ki, decoration pieces ki shops bhi hain. जैसा कि ये कपड़ों की जो शॉप है, ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी नहीं है, ये दूसरी और नस्लों के लोग हैं. फिर आप देखें, ये एक फिर एक इंडियन शॉप थी. ये कितने का ड्रेस है? 130. और साइज क्या है इसका? सॉरी, 40. आप लोग मेरे साथ साथ देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको यहाँ की वैरायटी और इनकी प्राइसेस कैसी लगी. इस्लामिक बुक्स की शॉप, और फिर आगे मैंने एक शॉप देखी जहाँ पे ये बड़ी अच्छी अच्छी वेस्ट कोट लगी हुई थी. यहाँ पे मर्दाना शलवार कमीज थे. कितने की दे रहे वेस्ट कोट? सारी और डिफरेंट प्राइसेस? सारी 45. अभी सेल भी लगी है, एक्सेल प्राइस लगी है, सेल पे लगी है. दिवाली निकल गई है ऑलमोस्ट. इंडिया का है ये साइज. अब ये अबाया की जो शॉप है, ये मेरी यहाँ पे एक फेवरेट शॉप है. मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ और आज भी मैंने की. और इनके बिल्कुल सामने ही इनका जो है वॉल हैंगिंग और बॉक्स का और डेकोरेशन का जो स्टोर है, वहाँ से भी मैं शॉपिंग करती हूँ. यहाँ से हाउ मच इज दिस ड्रेस? This one is $45. This one sell. We have all colors, black, evening color. For this one, it's nice. I like your abayas. Like whenever I bought from here, I love it. It's so beautiful. This one. What's the size? This one is 42. It's the medium size. It's for $85. $85. Yeah. And what's the size? So nice, this one. It's medium. It will be for you. Oh no, medium will be not. Do you have in black? This one no, it's only this color, not black. You have black with zipper? With zip, yes, we have the simple one. Can I see? And also with some of the design here. Mm-hmm. Yeah. Have it here, we have it. But
This is not that nice fabric. How much is that? This is so nice. It's an Anisville. This one is $65, the design one, okay? You see? Different designs we have. And we have this one for $45. This one you said 45? Yes, it's on sale. It's so nice. Good. What's the size? 58. We have different sizes for this one. What's your size? Mine is medium. You have medium in this? Yes, I have it. How much you said? 65? 45, 45. The simple one, it's three pieces. It has the hijab, it has the belt and this one. Your size, please. Mine. For my daughter. Oh, nice. You have daughter? Yeah, I have daughter. I bought for her and she lost it. It's little, still too big. Big? So take the 54 in this. I can change the size in case, right? Actually, sir, it's fine, sir, because these things are pure. Most customers, they are taking for daily use and Umrah. That's why we are changing it. Here you go. This is the size. Take this one. It's not big. Mostly for young and like for anyone. Yeah, I like this one. It's three pieces, has the hijab and the belt. Okay, let me put it. Hijab. It's simple and good for daily very use. Good, yeah. That's a smaller size? We have smaller size, but it will be too small. Too small. Don't go with the 54. 54 doesn't mean big. Because, you know what, sister? It's Dubai sizes. It's always different. Starting from 52, 54. I don't know why it still looks a little bigger. Can you try for me? It's not big, sister. Even for me, this will be tight. $55. This is Turkish. Give me a good discount on that. Oh, this one. $85 is the base for this one. This one always. Let's try. How much is this Kaaba? 150. ये जो बर्तनों की शॉप है यहाँ से मैं अक्सर नॉन स्टिक पतीले जो हमारे देसी साइज के बड़े बड़े लेके आती हूँ. This is your store too, right? Yes. How much is that clock? This one. This one is $95. A bag there, girl was giving me $85. No, this one. This one is $85. We're gonna go with the $85, and that's more than $10. This is so nice. It's a hell of a mic. I use that one at home, so I'm looking for gift. How much is that Surah Yasin? It's $65. $65? It's so pretty. Can you show me down, please? This one? Yeah. Can you make down this one, please? This one is the black one. Golden and you have the black one. Very good. This one. New, this one. Maybe we will put like higher price and higher price for this one, but right now we are just putting it $65. The golden and then golden too. Oh, which one is nice? I think black. Black. With any wall, it's looking black. But that one sometimes when the sun comes, it's not looking well straight in here. Yeah.
अब इस शॉप पे तो मुझे टाइम नहीं था मेरे पास इतना ज़्यादा खड़े होने का, लेकिन यहाँ की ज्वेलरी हैंडबैग बहुत खूबसूरत है। ये नेकलेस 150 का उसने मुझे बताया था, जो ऊपर स्टोन्स वाला आपको अभी नज़र आया, यहाँ की काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी। ये शॉप पाकिस्तानी खिलौनों की थी जो कि शोर करने वाले थे जी। तो ये थी यहाँ की फ्ली मार्केट, जो कि काफ़ी हद तक आप इसको देसी मार्केट भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ सैटरडे और संडे को खुलती है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ की वैरायटी और ज्वेलरी कैसी लगी।